तो आज की क्लास जो है हमारी दैट इज अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट ऑफ ऑल द चैप्टर्स। ठीक है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है वो गुडविल की है। और लास्ट क्लास के अंदर हालांकि मैंने आपको बताया था शायद कि गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है, गुडविल कौन बनाता है, पुराने पार्टनर्स है ना, और पुराने पार्टनर्स जो गुडविल बनाते हैं उस पर राइट भी किसका होता है, पुराने पार्टनर्स का ही होता है। बट व्हेन देयर इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म द थिंग्स आर चेंजिंग। ठीक है, राइट्स आर चेंजिंग, रेशियोज आर चेंजिंग। ठीक है, तो इन दैट केस वी वॉन्ट कि पार्टनर्स को गुडविल का जो बेनिफिट है वो पुराने रेशियो में ही मिले, तो उसके लिए हम कुछ एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि गुडविल क्या है, फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स हैं, अभी है नहीं हमारे पास, तो हमें उसकी एडजस्टमेंट ही करनी पड़ेगी, बांट नहीं सकते। ठीक है, अब एडजस्टमेंट क्या होगी, एडजस्टमेंट विल बी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, दैट्स इट। ठीक है, और गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं अगर कोई पुरानी गुडविल हो। और राइट ऑफ करने की एंट्रीज क्या होती है बता दो भाई, कोई राइट ऑफ करने की एंट्रीज क्या होती है? हाँ जी, तो ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है, उसको हम राइट ऑफ कर देते हैं, दैट इज टू इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स टू गुडविल। अब इसी के ऊपर हमने आगे करना है। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज इसी गुडविल का ट्रीटमेंट हमने एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर केस में समझना है। ठीक है, अच्छा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जिस पार्टनर को बेवजह गेन हो रहा है, गुडविल का फायदा मिल रहा है बेवजह, वो उसे वापस लौटा रहा है। किसे लौटा रहा है? उसकी वजह से जिसको नुकसान हो रहा है। तो गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ये गुडविल का मूल आधार है। ठीक है, दिस इज द बेस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। अब अगर हमने उस बंदे से पैसे ले लिए, हमने उसका गेनिंग पार्टनर जो है वो क्या करने वाला है, उसकी कैपिटल से हम पैसा काट के किसको देते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि उससे कहते भाई तू कैश दे दे, तो क्या आप उसकी कैपिटल को फिर डेबिट करेंगे? आंसर इज नो, फिर डेबिट नहीं करेंगे। बस अगर जिसको ये बात मेरी समझ आ गई, उसके लिए एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर चैप्टर के अंदर भी गुडविल का ट्रीटमेंट बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ठीक है, लेट स्टार्ट। देखिए मैं उसको कराना अब शुरू कर रहा हूँ। हाँ जी, सो वी आर गोइंग टू डू एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर चैप्टर के अंदर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब देखिए मैं आपको क्या कह रहा था, मैं एक बार रिपीट करता हूं। सपोज ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो बिल्कुल बराबर बराबर है। ठीक है, इन्होंने बहुत टाइम से मेहनत करी और मार्केट में अपनी गुडविल फॉर्म कर ली है। ठीक है, आज एक नया पार्टनर ये एडमिट कर रहे हैं डी, और उसके बाद इनका रेशियो क्या हो जाएगा ए बी सी और डी का, दैट इज 1:1:1:1, ये रेशियो इनका हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने इस दिन अपनी गुडविल की वैल्यू लगाई जिस दिन डी पार्टनर बनके इनकी फर्म में आ रहा था। ठीक है, इन्होंने वैल्यू लगाई, वैल्यू आई 3 लाख रुपए। इसका मतलब क्या है, आज की डेट में इन्होंने जो बेनिफिट्स कमाने हैं, जो प्रॉफिट्स आगे इनको मिलने हैं, वो है 3 लाख, जो बटने चाहिए 1-1 लाख रुपए ए बी सी में, 1 लाख ईच। ठीक है, अब डी आ गया, ये प्रॉफिट अभी हुए नहीं है, ये तो फ्यूचर में मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि हमने एफर्ट्स करे हुए हैं, गुडविल अपनी मार्केट में इतनी क्रिएट कर ली है कि हमें इतने प्रॉफिट, इतना फायदा मिलना है। ठीक है, याद है वो ओल्ड प्रोजेक्ट वाला कॉन्सेप्ट, कि समझ लो कि हमने कोई पुराना काम किया हुआ है जिसके हमें 3 लाख मिलने हैं, वो बटने चाहिए 1 लाख 1 लाख 1 लाख। लेकिन अब डी आ गया, तो जब पैसा आएगा फर्म के अंदर तो उसे आप कैसे बांटेंगे, 75,000 75,000 75,000 75,000, है ना भाई, टोटल कितना हो गया 3 लाख। आपको ऐसे बांटना पड़ेगा ये प्रॉफिट। आपको ऐसे क्यों बांटेंगे, क्योंकि अब डी आ चुका है, एग्रीमेंट हो चुका है कि फर्म में अब जो भी है दैट इज इन द रेशियो ऑफ 1:1:1:1 बराबर है। ठीक है, अब करे क्या, अब हम क्या करते थे, अभी तक हम डी की कैपिटल से काट कर किसको दे देते थे, ए बी और सी को, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, मतलब 75,000 इससे काट लिए क्योंकि इसको बिना वजह मिल रहा है, और 25,000 रुपए हम इनको दे देते हैं क्योंकि इनको घाटा हो रहा है, इनको नुकसान हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं डी की कैपिटल से मत काटो, डी कैश दे रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट,
डी ने कैश दे दिया, तो डी जब कैश देगा तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, पहले वो कैश देगा, और जब वो कैश देगा तो हम उसको एक सेपरेट अकाउंट में डाल देंगे। ये वो 75,000 क्यों दे रहा है, कारण क्या है इसका, वो गुडविल के लिए दे रहा है। वो कह रहा है ठीक है इस 75,000 पे मेरी मेहनत नहीं थी, ठीक है, तो इसलिए ये 75,000 मुझे फ्यूचर में मिल ही जाएंगे, तो आज मैं इसके लिए कैश दे देता हूं। ये गुडविल से कमाए हुए प्रॉफिट्स हैं जिस पर राइट है ए बी और सी का, और ये मुझे मिल रहा है तो ये मैं कैश दे देता हूं। तो उस पैसे को हम कहां ट्रांसफर कर देते हैं, एक नए अकाउंट में जिसका नाम है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 75,000। ठीक है, हमने इसको इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। आप कहोगे सर एबीसी को तो मिला ही नहीं पैसा, लो एबीसी को भी दे देते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में रख के हमने एफडी थोड़ी ना करानी है, ये तो पैसा हमने प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में डेबिट कर दिया और पार्टनर्स को ट्रांसफर कर दिया। एबीसी कितना कितना देना है इनको, 25,000। अब मुझे आप बताओ क्या आपको इस एंट्री में और इन दोनों एंट्रीज के अंदर कोई फर्क लग रहा है? अकाउंटेंट की आंखों से देखना, बच्चों वाली आंखों से मत देखना, अकाउंटेंट की आंखों से देखो, आप अकाउंटेंट हो, कोई फर्क लग रहा है मुझे फटाफट बताओ, किसी को फर्क लगा? मेरे को तो एंट्री दोनों सेम ही लग रही है, डी के कैपिटल से निकाल के दो या फिर डी जो पैसा लेकर आ रहा है उस पैसे को बाद में बांट दो, दोनों सेम ही तो है, वो भी तो डी का ही पैसा है जो डी की कैपिटल में पड़ा हुआ है, बताइए कोई फर्क लग रहा है? फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, केस नंबर वन, इन केस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, फर्स्ट इज व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, एक नया पार्टनर आता है और वो कैश लेकर आता है, ब्रिंग्स हिज ब्रिंग्स कैश और काइंड फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, वो गुडविल में अपना शेयर लेने के लिए कुछ कैश दे रहा है या फिर काइंड में कुछ भी दे रहा है। काइंड का मतलब क्या होता है, कोई भी एसेट लेकर आ रहा है, ठीक है, He is bringing some asset, okay? अब देखिए छोटा सा एग्जाम्पल है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स, इन 1:1:1 सेम केस है, डी एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, डी एडमिट हो गया 1/4 शेयर के लिए, और उस दिन गुडविल को हमने वैल्यू करा, गुडविल वैल्यूड रुपीज 6 लाख, 6 लाख रुपए की हमने वैल्यू करी। एक और बात, गुडविल अपियरिंग इन बैलेंस शीट, गुडविल अपियरिंग इन बैलेंस शीट, जो ओल्ड गुडविल है दैट इज 30,000, 30,000 पुरानी गुडविल है, पास जर्नल एंट्री, इफ डी ब्रिंग्स कैश फॉर हिज शेयर इन गुडविल। देखिए ध्यान से समझना, यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ओनली, गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है सिर्फ आपने ये समझना है और बाकी बातें हम बाद में करेंगे। सबसे पहली चीज, जब भी आपको ओल्ड गुडविल दिखती है तो आपका ध्यान कहां जाता है, आपने कौन सी एंट्री पास करनी है, आपने इसको राइट ऑफ कर देना है इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। अब पुरानी गुडविल आपको दिखी या नहीं दिखी, पुरानी गुडविल दिख गई हमें, तो पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करने की जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, इसकी जर्नल एंट्री होगी एक्स वाई जेड डेबिट टू गुडविल, ठीक है। पुरानी गुडविल की वैल्यू क्या है, 30,000, और इसको आप राइट ऑफ कैसे करेंगे, 1:1:1 में 10,000, 10,000, 10,000, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई, इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, फटाफट पूछ लो। हाँ जी,
सेकेंड एंट्री दैट इज फॉर न्यू गुडविल, कह सकते हैं गुडविल वैल्यू, जो आपने गुडविल वैल्यू करी, ठीक है, कितनी करी है, 6 लाख रुपए। इसका मतलब क्या है कि पुराने पार्टनर से मिलके इस 6 लाख की मेहनत कर रखी है, इनको मिलना चाहिए। अब नया पार्टनर आ गया तो उसको भी मिलेगा, तो अब क्या करेंगे, इसकी ए एंट्री होगी। ए एंट्री का मतलब क्या है, वो पैसा लेकर आ रहा है, ठीक है। यहां क्या लिखा था, डी ब्रिंग्स कैश फॉर हिज शेयर इन गुडविल। डी अपनी गुडविल का शेयर कैश में लेकर आ रहा है, इसका मतलब है हम उसकी कैपिटल से पैसा नहीं काटेंगे। जो हम गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग की एंट्री करते हैं तो गेनिंग की जगह क्या आ जाएगा, कैश। तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, फॉर कैश ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। नया पार्टनर बिजनेस में कैश ला रहा है और किस लिए लेकर आ रहा है, फॉर गुडविल, गुडविल के लिए लेकर आ रहा है। तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर दिस, इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, एक मिनट रुको, अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नया पार्टनर जब भी गुडविल के लिए पैसा देगा वो कहेगा मेरी कैपिटल से मत काटो, मैं आपको कैश दे रहा हूं, तो उसने प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए कैश दे दिया। अब हमने कहा भाई नए पार्टनर तू कितना कैश लाएगा, कहेगा जितनी आप मुझे गुडविल दोगे, मतलब डी का जो गुडविल में शेयर है वो कितना होगा, जो फर्म की गुडविल है उसका 1/4, और फर्म की गुडविल क्या है, फर्म की गुडविल है 6 लाख। 6 लाख में इसका हिस्सा कितना बना, 1/4। क्या इसने इसके लिए कोई मेहनत करी, नहीं करी, तभी ये कैश दे रहा है, ठीक है। तो यहां आ जाएगा 1.5 लाख रुपए ये कैश लेकर आ रहा है, कैश है बैंक कैसे भी ला सकता है, ठीक है। तो पहली एंट्री क्या हो गई, न्यू पार्टनर विल ब्रिंग कैश फॉर गुडविल, ओके। अब आपको तो पता ही है नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर्स को सैक्रिफाइस होता है ना। अब आप गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग की एंट्री याद करो, है ना, वो पास करनी है हमने, लेकिन गेनिंग पार्टनर को डेबिट, यहां पर नए पार्टनर को डेबिट मत कर देना, क्योंकि उसने पैसा दे दिया है, उसकी कैपिटल से आप दोबारा नहीं काटोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल बिटवीन, किसको देंगे हम ये प्रीमियम फॉर गुडविल, किसको देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है यहां पे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, किसको देंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को देंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर किस रेशियो में देंगे, इन विच रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जितना उनका शेयर सैक्रिफाइस हुआ है उसी में हम उनको ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और उसकी जर्नल एंट्री क्या होने वाली है, उसकी जर्नल एंट्री होने वाली है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना प्रीमियम दिया इसने, 1.5 लाख, और ये किस में बच जाएगा, यहां पर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं कौन पहले तो मुझे ये बता दो। और ये मैंने आपको पहली एडजस्टमेंट में बताया था कि अगर सिर्फ नया शेयर गिवन है और कुछ नहीं गिवन तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसके इक्विवेलेंट हो जाता है, याद है ये बात, ओल्ड रेशियो के इक्विवेलेंट, ठीक है। ओल्ड रेशियो क्या था, ओल्ड रेशियो था एक्स वाई जेड का 1:1:1, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी क्या हो जाएगा, 1:1:1, तो इस 1.5 लाख को भी हम कैसे मार देंगे, 1:1:1, आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, 50,000, 50,000, 50,000। दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कोई डाउट है तो पूछ लो। अब ये आपकी समरी है इस केस की, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल, ब्रिंग्स फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश और काइंड, तो उसकी फर्स्ट एंट्री जो होती है दैट इज कैश अकाउंट डेबिट, या फिर अगर वो कोई एसेट लेकर आ रहा है तो एसेट अकाउंट डेबिट,
ठीक है, और ये कहां क्रेडिट हो जाता है, दैट इज क्रेडिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है जी, ये किस चीज की एंट्री हुई, बीइंग न्यू पार्टनर ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल, ब्रॉट फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, जो भी वो लेकर आया, ब्रॉट कैश और काइंड, जो भी लेकर आया वो आपने यहां लिखना है। सेकेंड, ये प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये किस में बढ़ जाएगा, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। ठीक है, और यहां पे जो रेशियो रहेगा वो कौन सा रेशियो रहेगा, द रेशियो विल बी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कोई डाउट है तो पूछ लो। देखिए, ये छोटा सा क्वेश्चन है, आपने इसको समझना है। ठीक है, इसको एक बार रीड करिए, देन मैं समझाता हूं। सबसे पहली चीज, ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है 3:2। वो गुरु को एडमिट करते हैं एज अ न्यू पार्टनर और गुरु को शेयर देना है 1/10, और ये शेयर इन्होंने, इसने, गुरु ने एक्वायर करा है इक्वली, बराबर बराबर फ्रॉम ए और बी। मतलब जो इसको शेयर मिला है, आधा ए ने दिया आधा बी ने दिया। गुडविल अपियरिंग इन बैलेंस शीट 50,000, ये ओल्ड गुडविल हो गई। गुडविल वैल्यूड ऑन दिस डेट फॉर द फर्म, गुडविल की जो हमने वैल्यू लगाई वो निकली 5,00,000। ठीक है, आज जो हम वैल्यू कर रहे हैं, जो बैलेंस शीट में पड़ी है दैट इज ओल्ड गुडविल, वो हमने कभी खरीदी खुरीदी होगी किसी की। गुरु ब्रॉट कैश फॉर हिज कैपिटल एंड गुडविल, कैपिटल और गुडविल दोनों के लिए वो कितना पैसा दे रहा है, 3,00,000। ठीक है, कितना कैपिटल के लिए कितना गुडविल के लिए, ये हमें निकालना है। चले आप आगे देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, पुरानी गुडविल को ऐसा करते हैं, हम राइट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, पार्टनर्स के नाम क्या, ए और बी ना, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, गुडविल की वैल्यू क्या है, 50,000, तो 50,000 हमने गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। याद रहे, सबसे पहले गुडविल को हमने राइट ऑफ करने की एंट्रीज डाल दी, ये बाद में भी डाल सकते हो। ठीक है, लेकिन बाद में हमने कुछ और एंट्रीज करनी है तो मैंने पहले ये कर दी, बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ, हमने उसको राइट ऑफ कर दिया। यहां पर चलते हैं हम आगे। इसके बाद ये पैसा लेकर आया, कैश लेकर आया अपनी कैपिटल के लिए भी और गुडविल के लिए भी, टोटल पैसा कितना लेकर आ रहे है, 3,00,000। ठीक है, ये गया गुरु की कैपिटल में पैसा। जब भी कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो कैश टू कैपिटल की एंट्री होती है ना, तो ये हो गई एंट्री कैश टू कैपिटल। और उसके बाद इसने किस चीज के लिए पैसा दिया, प्रीमियम फॉर गुडविल, टोटल 3,00,000 दिया है, कितना गुडविल के लिए दिया ये आप मुझे बताओ, बता सकते हो, आई एम आस्किंग यू। तो इसने 50,000 तो गुडविल का दिया, तो इसकी कैपिटल में कितना जाएगा, 2,50,000। ठीक है, बीइंग कैश ब्रॉट बाय गुरु। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या होनी चाहिए, इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हमें बांटना है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितना प्रीमियम लेकर आए, 50,000 का, ये किस में बट जाएगा, ये बटेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। अब सर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कौन है, ये देखो, क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन है,
कि उसको जो मिला वो बराबर बराबर दिया ए और बी ने, तो इनका सैक्रिफाइस भी क्या होगा? अगर ए ने और बी ने बराबर बराबर दिया है, किसका बराबर बराबर? डी का शेयर था 1/10, 1/10 का आधा दिया ए ने और 1/10 का आधा दिया बी ने, तो 1/20 इसने दिया, 1/20 इसने दिया, तो दोनों ने बराबर बराबर दिया ना, तो रेशो भी क्या हो गया? बराबर बराबर, 1:1। तो ये 50,000 को भी हम कैसे बांटेंगे? बिल्कुल इक्वल ए और बी में इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है? ये हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। वैसे तो हम पहले ही समझ गए थे क्वेश्चन पढ़ के, अभी आपको शायद ना समझ आए, लेकिन धीरे धीरे व्हेन यू विल प्रैक्टिस मोर तो आपको समझ आएगा कि ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है? ये ए की कैपिटल में और ये बी की कैपिटल में कितना पैसा ट्रांसफर हो जाएगा? 25,000, 25,000, और यहां आप डालेंगे बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर्ड, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहां पर हमने क्या करा? प्रीमियम फॉर गुडविल को बराबर बराबर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है? दीज वर दी एंट्रीज फॉर गुडविल। अब इसके अंदर हमने कैपिटल भी इंट्रोड्यूस करी, तो कैपिटल की एक एक्स्ट्रा एंट्री आ गई, ओके? ये वाली, ठीक है? फटाफट आप इसको नोट कर लें, ये सारा समझ आ गया आपको? कोई डाउट है? हाँ जी, दिस इज अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन आपने करना है। एबीसी आर पार्टनर्स इन 3-2-1, दे एडमिटेड करण फॉर 1/8 शेयर, ठीक है? करण ब्रॉट ₹3,00,000 फॉर कैपिटल एंड ₹60,000 फॉर गुडविल, पास जर्नल एंट्री। अब फटाफट आप इसकी जर्नल एंट्री करो, आई एम वेटिंग। देखिए इस केस के अंदर दिस इज वेरी सिंपल, सबसे पहले आपने क्या करना है? एंट्री किस चीज के लिए डालनी है? कैश अकाउंट डेबिट टू, कौन नया पार्टनर कौन आया? करण आया है, करण्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है? हाउ मच अमाउंट ही ब्रॉट टोटल 3,60,000 लिखा है ना, 3,00,000 कैपिटल के लिए, 3,00,000 कैपिटल के लिए लाया, तो 3,00,000 इसकी कैपिटल में चला गया और बाकी कहां जाएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में जाएगा, कितना जाएगा? 60,000। अब आपने करना क्या है? इस प्रीमियम फॉर गुडविल को उठा के आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, एंड हु आर द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स? व्हेन नथिंग इज गिवन इन एडिशन, तो नया पार्टनर आ रहा है उसको 1/8 शेयर दे रहे हैं और कुछ नहीं गिवन, तो इसको 1/8 शेयर जो मिल रहा है वो एबीसी तीनों से मिल रहा होगा 3-1 के रेशो में, तो एबीसी तीनों ही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स बन गए, ठीक है? तो इस 60,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए 3-1 में, तो कितना आ जाएगा? 30,000, 20,000 और 10,000। किस किस के आंसर्स ठीक थे आप मुझे फटाफट बताइए। ये चैलेंज क्वेश्चन आपके सामने है और इस पर रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद दूंगा, ठीक है? कैश रिवॉर्ड है, ठीक है? अब देखिए अली कुमार, ये आपके पेटीएम नंबर पे आपको कैश रिवॉर्ड आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो अपना पेटीएम नंबर आप मुझे भेज दें अगर आपका आंसर सही है तो, और सबसे पहले विनर को। अली कुमार सिंह आर पार्टनर्स इन 5-3-2, दे एडमिटेड जॉर्ज फॉर 1/10 शेयर, न्यू पीएसआर, नया जो रेशियो है वो होगा 4-4-1-1, ठीक है? गुडविल वैल्यू करी गई 10,00,000, जॉर्ज लेकर आया है 5,00,000 शेयर और गुडविल का शेयर मिलाकर सब कुछ टोटल 5,00,000 दे रहा है, ठीक है? तो आज आपकी संडे की पॉकेट मनी अर्न करने का ये क्वेश्चन है, ठीक है? चैलेंज क्वेश्चन है, आप देखते हैं कौन जीतता है। इसके अंदर कैश अकाउंट डेबिट 5,00,000, ठीक है, टू जॉर्ज कैपिटल, जॉर्ज की कैपिटल कितनी है? वी डोंट नो, बट हमें पता है इसका शेयर इन गुडविल कितना है, प्रीमियम फॉर गुडविल, दैट इज अगर गुडविल फर्म की 10,00,000 है, इसका शेयर 1/10 है, तो इसका शेयर आगे 1,00,000 और कैपिटल अमाउंट में कितना जाएगा? 4,00,000, ठीक है? सेकेंड एंट्री क्या होती है? ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये हम किसमें बांटते हैं? पकड़ तो लिया सृष्टि ने, लेकिन आधा अधूरा पकड़ा, ठीक है? लेकिन फिर भी जितना उसने करा दैट वॉज गुड, ठीक है? अप टू मार्क था वो। ये देखिए
जब भी हमें ओल्ड और न्यू रेशियो गिवन होते हैं तो ऑलवेज कैलकुलेट सैक्रिफाइस एंड गेन, सैक्रिफाइस और गेन निकालेंगे आप, ठीक है। अब यहां पे अली, कुमार और सिंह, क्योंकि यहां पर जो आपका वो फॉर्मूला है कि भाई ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, यहां वर्क नहीं करेगा, ठीक है। ओल्ड रेशियो क्या था, 5/10, 3/10 एंड 2/10। नए पार्टनर ने तो अपना शेयर दे दिया गुडविल का, पुराने पार्टनर्स का अब हम सैक्रिफाइस या गेन निकालें, कितना इनको फायदा हुआ या नुकसान हुआ। इसका हो गया 4/10, इसका हो गया 4/10 और इसका हो गया 1/10। अगर आप ध्यान से देखें, इसको 1/10 का सैक्रिफाइस हो रहा है लेकिन कुमार को 1/10 का गेन हो रहा है, इसको भी सैक्रिफाइस हो रहा है। तो पैसा किसको मिलना चाहिए, अली और सिंह को मिलना चाहिए, और देने वाले लोग कोई कौन हो जाएंगे, देने वाले लोग नए पार्टनर ने तो अपना पैसा दे ही दिया है ना भाई, नया पार्टनर तो अपना पैसा दे ही चुका है, तो अब किससे पैसा लेना हमारा बनता है, कुमार से। तो कुमार विल ऑल्सो पे द मनी। ये इसके अंदर जो था एक नया पॉइंट था कि जरूरी नहीं है नया पार्टनर ही पैसा दे, हर बंदा जिसको गेन हो रहा है वो पैसा देगा, ठीक है। 1 लाख दिया नए पार्टनर ने और 1 लाख ये देगा, क्यों, क्योंकि इसको कितना गेन हो रहा है, गुडविल के अंदर 1/10 का इसको गेन हो रहा है, ठीक है। तो 1 लाख ये देगा और एक किसको मिल जाएगा, जिन जिनको सैक्रिफाइस हुआ, अली को सैक्रिफाइस हुआ 1/10, इसको 1/10, गुडविल का 1/10 है ना, या फिर आप इन 2 लाख को बराबर बराबर भी बांट सकते हो क्योंकि इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 1/10 है, जो 1:1 हो जाता है। आप गुडविल का, गुडविल से कैलकुलेट करना है तो गुडविल का 1/10 लो, और अगर आपने टोटल अमाउंट को बांटना है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या बना, 1:1 में बांट सकते हो। तो 1 लाख मिल गया अली को और 1 लाख मिल गया सिंह को। अगर इसमें कोई डाउट तो यू में आस्क। आप इसकी हेडिंग डालेंगे व्हेन ओल्ड पार्टनर ऑल्सो गेन्स, गेन शेयर इन न्यू फर्म, ठीक है। तो आप इसको हेडिंग डालेंगे कि जब पुराने पार्टनर का भी शेयर गेन होता है न्यू फर्म के अंदर तो वो भी कॉम्पेंसेट करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली एंट्री है क्या, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ये ऐसी नहीं है न्यू पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग नहीं है, वो तो कह रहे जिसको भी गेन होगा वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पेंसेट करेगा, चाहे वो नया पार्टनर हो वो तो करेगा क्योंकि उसका तो गुडविल में पैसा मिल ही रहा है फालतू, ठीक है। इसके साथ साथ अगर किसी पुराने पार्टनर का भी आप शेयर इंक्रीज करें तो ही विल आल्सो कॉम्पेंसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा ट्रीटमेंट क्या है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग।